माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में जो शेयर कर रहा हूँ वो एपिक पेन के बारे में है। तो एपिक पेन, जैसे कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं, तो ये वेबसाइट है एपिक पेन की। तो आप ऐसा लिखेंगे अगर epicpen.com तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। एपिक पेन का काम क्या है? एक्चुअली एपिक थ्रू द एपिक पेन यू कैन राइट ऑन द स्क्रीन एंड यू डोंट रिक्वायर्ड एनी वाइट बोर्ड। तो जैसे कि अभी आप मैं ये एपिक पेन की वेबसाइट पर ऐसे इसको मार्क करता हूँ, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली इसको डाउनलोड करना होगा। लेकिन अगर आपको इसके और फीचर देखने हैं एपिक पेन के, तब आपको इसको बाई करना होगा। और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, रीजनेबल है। तो ये 1500 रुपीज़ में जो है आप इसके फीचर यूज कर सकते हैं, जहाँ स्क्रीनशॉट आपको मिलेगा, ये टेक्स्ट टूल, एरो टूल, ये देर आर सो मैनी थिंग्स। अगर जैसे अभी आप देख रहे हैं तो स्क्रीन पे लिखा हुआ है राइट, तो इसको इरेज करने के लिए मैं यहाँ क्लियर स्क्रीन कर दूंगा, तो इस तरीके से ये स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। अगर आपके पास में ग्राफिक्स टैबलेट है तो ये जो टूल है, दिस इज़ द बेस्ट वन। आपको कोई एक्स्ट्रा जो है व्हाइट बोर्ड की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये जो थिकनेस है, इस थिकनेस को आप कैसे कम कर सकते हैं? तो ये यहाँ जो है पेन साइज, इसको आप यहाँ से कम कर सकते हैं। एंड कोई भी आपका जो कंटेंट है, आपका जो भी मॉनिटर है, उसकी स्क्रीन पे कुछ भी है, जैसे कोई वेबसाइट है, अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये वेबसाइट के ऊपर ही लिख रहा हूँ। अगर मेरे पास में कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है तो ये उस वर्ड डॉक्यूमेंट को भी हाईलाइट कर सकता है, जैसे अभी यहाँ पर। तो इसके लिए जो मैं अभी पेन मेरे पास में है, तो ग्राफिक्स टैबलेट है मेरे पास में, तो ग्राफिक्स टैबलेट एक्चुअली कई प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व करता है। तो यहाँ ग्राफिक्स टैबलेट के थ्रू आप इसका पेन यूज करिए, और जहाँ भी आपको कंटेंट लगता है उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तो हुआ वेबसाइट पे कोई कमेंट। एक और वेबसाइट मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वेबसाइट। तो आप देख रहे हैं कि ये नया वेबसाइट पेज खुला है, और इस वेबसाइट पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है ओनली, जो मॉनिटर की स्क्रीन है तो वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब इस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए आप जस्ट इसको यूज करिए और फिर पेन सेलेक्ट कर लीजिए। ये एपिक पेन के टूल हैं जो साइड में आप देख रहे हैं। एंड नाउ हाईलाइट दैट पॉइंट ऑन विच यू वांट टू डिस्कस। सो दिस इज apnifysics.com एंड हियर यू विल गेट मैनी कोर्सेज रिलेटेड टू द ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड फॉर द टीचर। फॉर द टीचर यू कैन सी दिस कोर्स, जो अभी आप नीचे देख रहे हैं, तो ये ऑनलाइन टीचिंग। तो यहाँ ऐसे ही इंफॉर्मेशन आई हैव एडिड हियर इनटू दिस पर्टिकुलर जो ऑनलाइन मास्टर क्लास कोर्स है फॉर द टीचर्स। तो ये जितनी भी टूल्स हैं, ये जो कलीग्स हैं, टीचर हैं, अगर आपका इंस्टीट्यूट है और आप वहाँ पर इसको यूज करना चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड आई विल रिकमेंड दिस वन। एंड नाउ द सेकंड एक्सपेरिमेंट ऑन द पीडीएफ फाइल। आई हैव दिस पीडीएफ फाइल रिलेटेड टू द क्लासरूम प्रेजेंटर जो सॉफ्टवेयर है, जिसको भी उसको भी मैं रिकमेंड करता हूँ। यहाँ ये जो क्लासरूम प्रेजेंटर है, और इसको आप गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाइट बोर्ड है, और कुछ भी, जैसे अगर आपके पास में कोई कंटेंट है, आपके पास में कोई पीडीएफ फाइल है, तो उस पीडीएफ फाइल को आप कमेंट कर सकते हैं। एंड यू कैन एक्सप्लेन एनी थिंग्स विच यू वांट एंड सेलेक्ट द कलर फ्रॉम हियर। इफ़ यू वांट टू यूज दिस ब्लू कलर देन यू क्लिक दैट वन। इफ़ यू वांट टू एनी अदर कलर दिस वन, यू कैन यूज दिस वन, राइट, इट्स योर चॉइस। सो तो इस तरीके से पीडीएफ फाइल को आप मार्क कर सकते हैं। अगर आपके पास में पावर पॉइंट है कोई, तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने पहले मार्क किया था वो अभी भी स्क्रीन पे है। तो स्क्रीन क्लियर करने के लिए यहाँ पे, और फिर उसके बाद में आप पेन सेलेक्ट कर लेंगे। ये पेन सेलेक्ट हुआ है। एंड नाउ यू कैन राइट एक्चुअली एनीवेयर, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर पीपीटी है तो पीपीटी के उसी पॉइंट पर आप लिखेंगे, या पीपीटी का आपको पेन की ज़रूरत होगी। यू कैन कमेंट एनी वेयर, राइट। सो दिस फीचर आई विल रिकमेंड एक्चुअली इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एपिक पेन है, इफ़ यू आर ए टीचर एंड लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ टीचिंग टूल, सो एपिक पेन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू।
बट द मेन थिंग इज़ दैट अगर आपके पास में ग्राफिक्स टैबलेट है तो आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी. सो दिस एपिक पेन आई विल रिकमेंड डेफिनेटली, दिस इज़ बेस्ट टूल. इसको मैं ऐड करूँगा बेस्ट टीचिंग टूल्स में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी पॉइंट तो आप कमेंट कर सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं. अगर आपके पास में भी कुछ और इस टाइप का इंफॉर्मेशन है तो वो दूसरे टीचर्स के लिए भी यूजफुल होगा.